सोयाबीन की कीमतों में अचानक से उछाल देखने को मिला है। जो सोयाबीन कुछ हफ्तों पहले मंडियों में नीचे में 1500 से 1700 तक बिकती नजर आई थी, अब वही सोयाबीन 6000 का आंकड़ा पार कर गई है। वायदा में सोयाबीन ने 6400 तक के स्तर दिखा दिए हैं और मंडियों में भी सोयाबीन लगभग इन स्तरों पर बिकती नजर आ चुकी है। सोपा द्वारा सोयाबीन के आंकड़े दिए गए थे कि इस बार सोयाबीन का उत्पादन लगभग 119 लाख टन के आसपास रहने का अनुमान है, जो कि पिछले साल के मुकाबले लगभग 14% अधिक है। लेकिन सोयाबीन के उत्पादन आंकड़े ज्यादा रहने के बावजूद इस बार सोयाबीन की कीमतों में अच्छी तेजी बनती नजर आ रही है। विदेशों में सोयाबीन का उत्पादन घटने का अनुमान है। ब्राजील और अर्जेंटीना में सोयाबीन का उत्पादन घटने की उम्मीद है। अमेरिका में भी सोयाबीन की फसल थोड़ी कमजोर रहने का अनुमान जताया गया है। वहीं भारत में सोयाबीन का उत्पादन बढ़ने का अनुमान है। किसानों ने अपनी सोयाबीन को स्टॉक करना शुरू कर दिया है, जिससे सोयाबीन की आवकें पहले के मुकाबले कम हुई हैं। इस बार मानसून की बारिश ने भी सोयाबीन की फसलों को बड़े पैमाने पर नष्ट किया है। वहीं जानकारों के अनुसार वर्तमान में सोयाबीन की क्रशिंग में गिरावट देखने को मिली है। सोयाबीन की क्रशिंग कम हो रही है। सोयाबीन की क्रशिंग कम होने के कुछ मुख्य कारण हैं। पहला कारण ये है कि सोयाबीन का एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है। दूसरा कारण है कि जो आयातित सोया खली है वो काफ़ी मात्रा में बाजार में मौजूद है। आपको बता दें कि सरकार ने कुछ महीने पहले ही सोया खली आयात करने का फैसला लिया था, जिससे सोयाबीन की कीमतें धड़ाम हो गई थी। अब किसानों को इससे एक प्रश्न है कि जब बाजार में सोया खली ठीक ठाक मात्रा में मौजूद है, तो फिर पोल्ट्री इंडस्ट्री सोया खली के आयात की अवधि बढ़ाने पर जोर क्यों दे रही है? क्या वाकई पोल्ट्री को सोयाबीन की जरूरत है, या फिर सोयाबीन की कीमतें बढ़ने के कारण और कहीं आगे और न बढ़ जाए इसकी वजह से ये मांग की जा रही है? क्या वायदा में सोयाबीन में फिर से सट्टेबाजी तेज हो गई है? ये कुछ सवाल हैं जिनका जवाब सोयाबीन किसान जानना चाहते हैं, लेकिन भटकने के बावजूद जवाब नहीं मिल पा रहा है। जब किसान महंगे बीज खरीदकर सोयाबीन की बुआई करता है और उसको ना MSP मिलती है ना ही कोई सरकारी मदद, तब कोई किसान की मदद क्यों नहीं करता है? और जब किसानों को उनकी फसल के अच्छे दाम मिलने लगते हैं, तब क्यों सारे ट्रेडर्स और इंडस्ट्री बॉडीज एक्टिव हो जाते हैं और सोयाबीन की कीमतों को नीचे लाने के प्रयास करते हैं? रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।